और बीकानेर की नोखा से खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। देर रात नोखा इलाके में एसओजी ने छापेमारी की, एक महिला परीक्षार्थी को हिरासत में लेने की सूचना भी मिल रही है। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बनने का अंदेशा लगाया जा रहा है। खजवाना इलाके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों को एसओजी जयपुर ले गई है। तो पेपर लीक को लेकर लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीकानेर के नोखा में भी एसओजी की टीम ने छापेमारी की है। इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी लेंगे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई से। रवि, एसओजी ने देर रात नोखा के कई इलाकों में छापेमारी की है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए चारू, पेपरों में गड़बड़ियों के चलते जिस तरह से एसओजी ने नकेल कसी हुई है, वैसी एक स्थिति नोखा इलाके में देखने को मिली है, जहां पर बीती रात एसओजी की टीमें पहुंची है और वहां से एक महिला डमी कैंडिडेट को हिरासत में लेने की सूचना है। समाचार पत्र की पास सूचना पूर्णतः हमारे सूत्रों की तरफ से ये सूचना है। नोखा पुलिस को भी अलर्ट किया गया था, देर रात तक नोखा के सीओ वो भी एसओजी टीम का इंतजार कर रहे थे। कल से ही ये मैसेज था कि इस इलाके के भीतर कुछ डमी कैंडिडेट हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बनकर बैठे थे, उनको हिरासत में लिया जाएगा और ऐसा ही कुछ हुआ है। सूत्रों के अनुसार नोखा इलाके में एक महिला को हिरासत में लिया गया है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी जिले नागौर में भी, खजवाना में भी एसओजी की छापेमारी की गई है, वहां से भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में संभवतः एसओजी जयपुर के जयपुर इन्हें ले जाकर एक खुलासा या कह सकते हैं कि आगे की कार्रवाई के संबंध में कोई बयान जारी करेगी। फिलहाल स्थानीय पुलिस इन तमाम बातों से इनकार कर रही है, क्योंकि मामला काफी गोपनीय स्तर पर रखा जा रहा है और एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह से धांधलियां सामने आ रही है, जिस तरह से डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, उसमें नोखा और नागौर जिले के खजवाना का भी नाम अब जुड़ गया है, जहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की सूचना है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।